यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ खोदा हुए वाला पूरे हल्दी टाइप का दिख रहा है वाला, कौन सा फूल है पता नहीं। अच्छा, तो बहुत ऊंचा ऊंचा मतलब यहाँ पे होता था, इसका पत्ते लोग देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी मैं फूल का नाम नहीं जान रहा हूँ, जिसको पता है कमेंट कीजिएगा। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी इसको मैं लगा दिया हूँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब पानी ही देंगे अभी। सो हे गाइस, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ ट्रांसप्लांट। जो मेरी गोल्ड का जो फ्लावर है ना, जिसको मतलब गेंदा फूल बोलते हैं, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो उसको मतलब ट्रांसप्लांट करना है, मतलब जो उसका ऊपर का जो भाग है उसको मतलब काट काट के उसको क्या बोलते हैं, धूल के साथ उसको वो करेंगे, मतलब धूल में लगाएंगे उसको। उसके बाद में देखते हैं कितना दिन में उसका मतलब जड़ पकड़ेगा। और तभी मैं आ गया यहाँ पर धूल लेने के लिए, तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, ये जगह तो आप लोगों को पता ही होगा, जो यहाँ टंकी उधर दिख रहा होगा, इधर ये वाला बगान है यहाँ पे, मतलब कुछ कुछ यहाँ पे हम लोग सब कुछ लगाते हैं। अभी तो फिलहाल उधर लहसुन लगाया हुआ है और प्याज भी लगाया गया है, और इधर किनारे में थोड़ा सा इधर टमाटर भी लगाए हैं, बाकी इसमें पानी भी देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रहा बालू, थोड़ा ये वाला थोड़ा ज़्यादा मतलब ये बड़ा दाना हो गया ना ये वाला, तो इसमें थोड़ा नहीं वो होगा, मतलब यहाँ पे जो जब दादाजी का हुआ था देहांत हुआ था, तो यहाँ पे कब्र बनाने के लिए लेके आए थे, तो उसी को मतलब यूज़ करेंगे। ये तो थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बड़ा दाना हो जा रहा है, तो उससे थोड़ा छोटा छोटा दाना इधर है, तो इसको सबसे पहले फटाफट बार्ली में भर लेते हैं, उसके बाद में इसको घर के पास लेके चलते हैं। अरे यार, कुछ लेके भी नहीं आया मैं भरने के लिए। चलो बस फिलहाल मतलब हाथ से भरते हैं, अब क्या करें, बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सो फाइनली गाइस, मैं धूल लेके आ गया हूँ। तो पहले यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इधर गेंदा का फूल उधर इधर मतलब लगा हुआ है ना, तो इसको एक किनारे में अच्छा लगाना, इधर भी कुछ मतलब लगा हुआ है, तो इसी में से मतलब काटना है। जब भी आप लोग काटोगे इसको, तो हाथ से इसको नहीं तोड़ना है, इसको मतलब हाथ से नहीं तोड़ना है, इसको कुछ कैंची से काट सकते हैं या तो कुछ कटर होता है उससे काटिए, मतलब हाथ से इसको तोड़ के नहीं लगाना है। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा है और इधर थोड़ा सा है, तो इसको सबको उखाड़ के फेंकना है। तो सबसे पहले इसको मतलब गछियाते हैं, अभी मतलब पट्टी बना हुआ है यार, घर भी तो ऐसे है कि जगह नहीं मिलता है ना मतलब फूल लगाने के लिए, तो यहाँ पे पट्टी आप लोग दे सकते हैं। तो एक किनारे मतलब ऐसे पट्टी मतलब बन गया है, बाकी इसके बाहर मतलब आंगन में लगाएं इधर फूल को, तो इसको सबको उखाड़ना पड़ेगा अभी। तो गाइस, अभी जगह हम लोग यहाँ डिसाइड कर लिए हैं, तो अभी सबसे पहले इसको धूल को मतलब यहाँ पे बिछाते हैं, उसके बाद में फूल को काटेंगे। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मतलब फ्रेश वाला इतना नहीं है, बाकी इसी को यूज़ करते हैं। तो जब भी आप लोग काटोगे, तो पहले मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो जब भी आप लोग इसको वो करोगे ना, तो हाथ से इसको नहीं करना है, कैंची से इसको मतलब शुद्ध इसे काटना है। जो छोटा ये निकल रहे तो अभी भी चल जाएगा। अरे मत पिंद इन घर ईद इतर कुठिद मैया तो गुठी बड़ा गुठी नंग देरी। मंगल सो गाइस, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अभी इसको मैं लगा दिया हूँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब पानी ही देंगे अभी, तो हर दो दिन बाद मतलब पानी देंगे यहाँ पे। तो मतलब अभी फेंस यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो छाया तो रहेगा ही।
मतलब धूल में क्या होता है, इस मतलब एकदम फ्री हो जाता है ना, तो इसको जड़ पकड़ने के लिए मतलब जगह मिल जाता है, आसानी हो जाता है इसके लिए इधर इधर। और जो जमीन रहता है वाला थोड़ा सख्त होता है, तो इसमें भी थोड़ा सा पानी लगा देंगे ऊपर से। सो गाइस, मतलब स्प्रिंकलर नहीं है ना, तो हाथ से ही करना मतलब पड़ रहा है। सो गाइस, इसको भी ढक दिए हैं गरना से, वरना नहीं बचेगा। क्योंकि इधर बकरी आता है ना, मुर्गी भी आता है, तो गड़बड़ कर देगा, तो इसको ढक दिए हैं अभी। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, पूरे यहाँ पे लगा हुआ था गेंदा का फूल, इसको काट दिया गया है। मतलब उधर इधर मतलब अच्छा नहीं दिखता है ना, अगर लाइन से लगा हुआ रहता है जब फूल तो अच्छा दिखता है। बात तो सही है। तो इसको भी इधर भी उखाड़ के फेंकना, इसको भी। सो गाइस, अभी देख सकते हैं हम लोग कितना यहाँ पे मतलब थोड़ा फ्री दिख रहा है ना, उसमें बहुत झुंड दिख रहा था। तो अभी यहाँ पे इसको अच्छा साफ सफाई होगा तो और अच्छा दिखेगा वाला। तो यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ खोदा हुआ वाला, पूरे हल्दी टाइप का दिख रहा है यार वाला, कौन सा फूल है पता नहीं, जो बहुत ऊंचा ऊंचा मतलब यहाँ पे होता था। इसका पत्ते आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी मैं फूल का नाम नहीं जान रहा हूँ, जिसको पता है कमेंट कीजिएगा। पूरा हल्दी टाइप का दिख रहा है तो यार, मतलब यहाँ पे जो खोदा जितना हो मतलब हो पाया हो निकल गया है, बाकी यहाँ तो अंदर में और है, तो फिर से वाला और उगेगा। बालकल का थ्रांति बाहर दिया। यहाँ पे अंदर में और है वाला, हो सकता है तो फिर से उगेगा यहाँ पे। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला क्या बोलते हैं महुआ का मतलब यहाँ पौधा है, और एक था वहाँ पे, उसको मैं मतलब गलती से यहाँ पे काट दिया ना, तो उसको कट गया वाला। तो इसको देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा और ऊँचा होगा यहाँ से, तो कहीं से उखाड़ के मतलब लेंगे, फिर कहीं लगाएंगे इसको। और लीची भी मतलब उगा हुआ है, दो टू है, तो इसको देखते हैं। ये खा के फेंका हुआ वाला है, बाकी उग गया, तो देखते हैं इसको भी कहीं लेंगे, उसके बाद में जगाएंगे इसको। तो सबसे पहले वही पानी पटाते हैं, उसके बाद में सीधा इसको लगाते जाएंगे जो फूल है उसको। ये वाला फूल भी पता नहीं क्या है, दिखने में अच्छा रहा है यार, लेकिन पता नाम नहीं पता है ना इसका। तो इसका अगर आप लोग जानते हो नाम तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अच्छा तो दिखता है वाला, अगर नाम पता रहेगा तभी तो हम लोग खरीदेंगे कहीं पर, नहीं तो खरीदने जाएंगे तो मतलब बताएंगे तो वही बेचने वाला नहीं जानेगा। तो जिसको भी पता होगा नाम तो बताइए, और मतलब सजेस्ट कीजिएगा कौन कौन सा फूल मतलब अच्छा होता है, तो उसके हिसाब से हम कुछ लगाएंगे, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा ना घर आंगन भी। सो गाइस, अभी तो आप लोग देख सकते हैं मतलब ये तो पूरा क्लियर है, मतलब रेडी है, बाकी अभी फूल नहीं है मतलब यहाँ लगाने के लिए। फूल को तो ट्रांसप्लांट किए हैं, उसको जब बढ़ेगा वाला तो जड़ जड़ पकड़ेगा वाला जब, तो यहाँ उसको लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं रहा रोज, मतलब ये भी मतलब उग रहा अच्छे से, पहले लगाए थे किनारे में वहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत लंबा हो गया था ना उसको, तो काटना पड़ गया वाला, अच्छा नहीं दिख रहा था वहाँ पे, मतलब झूल जा रहा था वाला। तो अभी देखते हैं, पहले तो यहाँ पे पूरा आंगन में कचरा भरा पड़ा था, उसको अभी काट दिया है ना सबको, अभी तो अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, एक लाइन से मतलब अच्छा रहेगा तो अच्छा दिखेगा अभी। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी चलते हैं सीधा नहाने के लिए, मतलब बोर तो चालू है इधर, तो अभी धूप भी कर रहे हैं वैसे भी, तो नहा लेते हैं फटाफट से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अरे यार गिरने वाला था मैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।